अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी, हम मौजूद हैं गोरखपुर में और लगातार हम लोगों ने कोरोना को लेकर चर्चा किया है, परिचर्चा किया है, जागरूकता को लेकर कई संवाद भी हम लोगों ने किया है। इसी क्रम में जैसा कि कहा जा रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करेगी, इसी निमित्त हम मौजूद हैं एक सेंटर पर और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर बी के राय साहब। आप निवर्तमान सचिव गोरखपुर एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं और वर्तमान में आप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यूपी स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि देखा जा रहा है कोरोना जो है पहली लहर आई, उसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया कि 2.7% बच्चे प्रभावित थे। जो दूसरी लहर आई लगभग 5.8% बच्चों को संक्रमित किया, 6% उसको कह सकते हैं। जो तीसरी लहर आ रही है सर, तमाम वैज्ञानिक हैं, आप जैसे विद्वान हैं और तमाम डॉक्टरों का कहना है कि वो बच्चों को संक्रमित करेगा और उसकी लहर जो होगी उसकी जो गति होगी वो बहुत तीव्र होगी, क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाँ, निश्चित रूप से चूँकि यह बिल्कुल ही नई बीमारी है तो कोई भी जब नई बीमारी आती है तो हमारे सामने कोई निश्चित रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में हमको निश्चित रूप से शांतिपूर्वक बैठ करके यह विचार करना चाहिए कि बीमारी के फैलने के क्या क्या वजह अब तक महसूस हुए, क्या क्या करने से उनसे बचा जा सका, क्योंकि अभी तक केवल इतना ही हमारे हाथ में निश्चित रूप से है। जो भी दवाएं बाज़ार में आई हैं अभी कोई भी दवा 100% कारगर किसी भी पैथी की किसी ने नहीं कहा है। अनुमान के आधार पर दवाओं का प्रयोग हो रहा है, अब वह बाद में स्टडी होगी तो पता चलेगा कौन कितने परसेंट कारगर थी। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र निश्चित उपाय जो बचाव के लिए दिखता है वह अपनी सुरक्षा ही है। जहाँ तक बच्चों की बात है, ये हम शुरू से देखते आए हैं कि बच्चों में ज़्यादातर बीमारियाँ बड़े लोगों से ही आती हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे लिए सबसे कीमती पूंजी हैं, तो हम सभी बड़ों का यह दायित्व बन जाता है कि उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। और हम यह देख रहे हैं कि अगर हम खुद को बचा पाएँ, खुद को डिसिप्लिन में रख पाएँ तो बच्चे निश्चित रूप से बच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से हर चीज़ पर बड़ों के ही ऊपर निर्भर हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। हमने देखा कि जब जब हम अपने गतिविधियों को नियंत्रित और संयमित रखें तब तब बीमारी कंट्रोल में आई, और ज्यों ही हमने ये सोचा कि अब बीमारी चली गई और हमने अपने ऊपर से संयम हटा दिया, सारे जो बचाव के तरीके थे उनको भूल गए, तो हमने दूसरे वेव के रूप में उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। अब यह समय आ गया है कि इसको सबक के रूप में लिया जाए, और जो तीसरी वेव की बात हो रही है उससे निश्चित रूप से बचा जा सकता है। मैं जो है अपने अंदर से आश्वस्त हूँ कि हमारे देश के सभी नागरिक इस समय जागरूक हो चुके हैं, उनको यह लग गया है कि हमने कहीं ना कहीं असंयम दिखाया जिसकी वजह से दूसरी वेव का सामना करना पड़ा, और इससे यह हमारे लिए आई ओपनर का काम निश्चित रूप से करेगा। और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हम सभी लोग मिल करके निश्चित रूप से तीसरी वेव से बचने के लिए जो भी सावधानियां
सरकार, डॉक्टर्स या जो भी हमारे वरिष्ठ जन राह दिखाएंगे और हमें स्वयं भी अपने विवेक को परखते हुए, विवेक पर चलते हुए बहुत सूझबूझ के साथ एक एक कदम रखेंगे तो ज़रूर यह बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि बच्चों का है, बच्चों से है, ये सारे संक्रमण एक दूसरे पे प्रभावित होंगे। क्या मुख्य लक्षण दिखाई देंगे बच्चों में? जैसे कहा गया कि बुखार है या सर्दी है, जुकाम है, आमतौर पे सारे बच्चों को होता ही रहता है, क्या वह भी एक मुख्य लक्षण होगा इस कोरोना को पहचानने के लिए? हाँ, जहाँ तक बीमारियों के लक्षणों को आम लोगों को, आम जनता को बताने की बात होती है, तो हम लोग कोई भी लक्षण यह सोच के नहीं बताते हैं कि उसकी वजह से आप घबराहट में आ जाएं और घबराहट में जो नहीं करना है वो करने लगें। जैसे मैं देखा कि पिछले जो पहली बार लहर आई थी तो उसमें सारे लक्षणों पर ही हर तरफ चर्चा हुई और लक्षण उससे मिलते जुलते लक्षण अन्य बीमारियों के भी तो हो सकते हैं, जिनको सुन करके, जान करके जनता के अंदर में इतना भय व्याप्त हो गया, जो कि चिकित्सक है या किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो लक्षण की जहाँ तक बात है, ये नई बीमारी है, क्या लक्षण आने वाले समय में आएंगे या अभी से 100% बता पाना मुश्किल है। हम जो लक्षण बताएंगे हो सकता है वो उस बीमारी के अलावा अन्य बीमारी के भी हो, तो अन्य बीमारी का लक्षण पता चला सामान्य बीमारी ही है और हम इतना ज़्यादा घबरा गए कि घबराहट में ही नुकसान कर दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं घबराहट की वजह से भी पैदा हो गई हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर जैसे अब तक हम लोग देखते आए हैं कि कोरोना के लक्षणों में बुखार आना, सर्दी जुकाम, खांसी, कफ से शुरू हो करके समस्याएं पैदा हुई हैं, मगर हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे लक्षण आते हैं वे सभी के सभी कोरोना की ही वजह से हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लक्षणों को बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर बाई चांस वह बीमारी के लक्षण हो भी तो और लोगों को न फैलें, और अगर बीमारी के लक्षण हैं भी तो हम सबसे यह अनुरोध करते हैं कि भाई ज़्यादातर बीमारियां तो अपने आप ठीक ही हो जा रही हैं, तो घबराहट न रखा जाए, घबराया न जाए, उसमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि नई बीमारियों से घबराइए नहीं, तो आम जनता यह ले लेती है कि अब हमको घबराना नहीं, अब हम आज़ाद हैं और जैसे चाहे वैसे रहें, जैसे चाहे वैसे करें। लक्षण हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताने में विश्वास रखते हैं कि उसकी वजह से हमारे जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान हो करके ऐसी ऐसी दवाएं खाने लगती है जिनको खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे काम करने लगती है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में पता चलता है कि हमने ये फालतू में इतना दिन तक दवा खा लिया और उसका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमारा कुल मिला के संदेश ये है कि एक समस्या चल रही है, कोई भी ऐसा लक्षण जो सामान्य से अलग महसूस होता है, चाहे वो बुखार के रूप में हो, चाहे कफ के रूप में हो, चाहे डायरिया के रूप में हो, चाहे शरीर पे दाने के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में असामान्य लक्षण दिखता है, तो पहले की तुलना में ज़्यादा सावधान, ज़्यादा जागरूक हो जाने की ज़रूरत है और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, दूसरों को बचाने की ज़रूरत है, भय करने की ज़रूरत नहीं है, सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर हम सावधान हो जाएं और अपनी सांसों को, अपने धड़कन को, अपने आप को प्रसन्न रखते हुए सावधानी पर चलेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल हो जाती हैं। और हमने देखा है कि छोटी सी बीमारी है उसमें इतना ज़्यादा लोग घबराए हुए हैं कि कोई भी सलाह उन तक पहुँच नहीं पा रही है और ऐसी उठपटांग हरकतें होने लगती हैं, मनमाना दवाइयां खाना शुरू हो जाता है। तो इस सबसे भी हमको बचना होगा, पिछले जो गलतियां हुई हैं उनसे बचना बेहद ज़रूरी है, तभी हम आने वाले वेव को अच्छे तरीके से हंसते खेलते खुशी खुशी उससे हम लोग निपट सकते हैं।
बस हम लोगों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है, जिससे भी मिले जहाँ भी मिले दूरी बना के मिले, मास्क पहन के मिले। और अब तक हम जिन जिन कमियां हमारे साथ हो गई हैं उनसे बचेंगे तो कोई उपाय नहीं। और तो अब तो हमारे साथ टीका का भी हेल्प हो गया है, सभी लोग अब समझने लगे हैं, तो हम लोगों को बड़ी सूझबूझ से साथ चलना है कि कोई भी काम से हमारा खुद का नुकसान ना हो, और एक दूसरे से प्रेम भाव से सभी मिलजुल कर सहयोग भाव से चलेंगे तो ये बीमारी आसानी से इस पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर साहब, यहाँ देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन चला बड़े वर्ग के लिए तो पूरे चरम पर था और बड़े गंभीरता से लिया भी गया वैक्सीनेशन को, लोगों ने उसके लिए जागरूकता भी दिखाई और लगवाया। क्या वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी कारगर होगा? क्या कोई ऐसी वैक्सीन आएगी या जो है ये मौजूदा परिस्थिति में वो वैक्सीन कारगर साबित होगी बच्चों के लिए? हाँ, जहाँ तक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वैक्सीन एक बहुत बड़े हथियार के रूप में हम लोगों ने विगत वर्षों में उससे काबू पाया है। मस्तिष्क ज्वर जैसी भयानक बीमारी जब हम यहाँ आए गोरखपुर में, और जिसका कोई उपाय नहीं दिखाई देता था, कोई भी दवा कुछ भी करते रहते थे, इतनी ज़्यादा डेथ रेट हम लोगों के सामने, मासूम बच्चों को कुछ भी करते रह जाते थे, कुछ भी नहीं होता था। और वैक्सीन आने के बाद से हम देख रहे हैं कि वह बीमारी जो है खोजने से नहीं मिल रही है। इससे पहले भी हम जैसे कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं, उसका नामो निशान धरती से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पोलियो की जहाँ तक बात है, पोलियो को मैं उनको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए वैक्सीन ने बहुत बड़ा रोल निभाया। यानी जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, वैक्सीन से बचाने वाली बीमारियां हम अगर पिछला इतिहास देखें तो हमको निश्चित रूप से एक बल मिलता है और एक साहस मिलता है और एक आशा की किरण दिखाई देती है कि टीकाकरण से इस बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। और यह हम वैज्ञानिकों को और सारे सपोर्ट करने वाले समूह, गवर्नमेंट को यह धन्यवाद देते हैं कि भाई इतने कम समय में कुछ एक आशा की किरण वैक्सीन के रूप में आया है, और उसको हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने खुद भी ले करके देखा है। मैंने खुद भी दोनों डोज वैक्सीन की ले लिया हूँ मैं, और ऐसा मुझे कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिया, थोड़ा बुखार आया था। और एक बल तो मिला ही है कि वैक्सीन से बचाव हो सकता है, मगर वैक्सीन का यह कतई मकसद नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह लापरवाह हो जाएं और अन्य सुरक्षा के इंतज़ाम ना करें। तो बच्चों में वैक्सीन की बात जहाँ तक है, अगर बड़ों में भी कवरेज अच्छा हो जाए वैक्सीन का तो बड़ों में ही ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बच्चों में भी मिलेगा। तो बड़े लोगों से जो 18 से अबव 18 है, वे उनके लिए तो वैक्सीन आई गई है और लगवा ही रहे हैं, अधिक से अधिक कवरेज हो ताकि बड़े लोग बचे रहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक बच जाएंगे। जहाँ तक बच्चों के लिए सुरक्षा की बात है, वो स्टडीज़ चल रही हैं। कुछ वैक्सीन मैंने सुना है कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कारगर पाई गई है बिना साइड इफ़ेक्ट के, और कुछ माताएं जो दूध पिलाती हैं उनके लिए पहले था कि अभी वे वैक्सीन न लें, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ऐसा प्रोविज़न हुआ है कि अगर वे कुछ दिनों तक वैक्सीन लगवाने के बाद दूध न पिलाएं तो वो स्वेच्छा से ले सकती हैं। और मेरे जानकारी में ऐसी महिलाएं हैं जो कि वैक्सीन जिन्होंने लिया है, वे दूध पिलाती थी और वो वैक्सीन ली हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आपने दूध पिलाना बंद कर दिया? वो कहीं नहीं, दूध पिलाना बंद तो किया था लेकिन बच्चा मानता नहीं, वो दूध पी ही लेता है। तो कोई अभी जहाँ तक 10 दिन हो गया, अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को आया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग बिना साइंटिफिक डेटा के आधार पर लेना शुरू करें। तो वैज्ञानिक डेटा आने तक हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जो है वैक्सीन बच्चों में भी कारगर होगी। हम लोग तो बच्चों को ही सारी वैक्सीन बचपने में ही लगाते हैं, अब बाद में चल के पूरे जीवन उनसे रक्षा होती ही रहती है। अभी तो कई सारे ऐसी स्टडीज आई हैं कि कई सारी वैक्सीन जब बच्चा पेट में है तभी माँ को लगा दिया जा रहा है, तो
तो उससे माँ को भी बचाव हो जा रहा है और उसी पैसे में जो आने वाला बच्चा है उसका भी बचाव हो जा रहा है। तो ये रिसर्च चल रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक एक शानदार और बेहतर कारगर वैक्सीन आ ही रही है और इससे भी और रिवाइज्ड वैक्सीन बेहतर से बेहतर आएंगी। सर, अभी का जो प्रकरण है वो ब्लैक फंगस का आ रहा है, गोरखपुर में भी अभी देखा गया है 3 पेशेंट्स जो हैं पाए गए हैं ब्लैक फंगस के, तो क्या वो ब्लैक फंगस जो है बच्चों पे भी अपना प्रभाव डालेगा, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ ऐसा मगर मैं कहूँ कि हाँ डालेगा, प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि सावधानी बढ़ाई जाए। कोई भी बीमारी से कोई भी अछूता नहीं, आप देख ही रहे हैं कि हमारे चिकित्सक वर्ग, चिकित्सा स्वास्थ्य में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मी, वे तक सभी लोग प्रभावित हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीमारी सबके समान रूप से सभी एक्सपोज्ड हैं उस बीमारी के लिए, बच्चों में भी आने की संभावना ज़रूर रहेगी। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है बचाव का, वो तो हमसे कोई नहीं ले सकता है। हम अगर विवेक पूर्वक काम करेंगे तो जैसे हम ही लोग चिकित्सा कर्मी हैं, देखिए हमारे ही देखने में एक से एक जानलेवा खतरनाक बीमारियां आई। जैसे मैं शुरू में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में गया था तो उसी समय एड्स नाम की बीमारी आई थी, जिसका नाम सुनते ही मतलब शरीर में कंपन हो जाता था। तो लेकिन अगर सावधानी रखें तो सावधानी पूर्वक हमने काम किया। एड्स के मरीजों को हम लोगों ने ब्लड सैंपलिंग किया है, उनको उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते थे तो एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल इन्फेक्शन, उनमें भी इन्फ्यूज़न में हम लोग यानी काम किए हैं, एक से एक बीमारियों में काम। तो भले बीमारियां आ रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम सावधानी से रहें तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो हम लोग कोई भी काम करें उसमें ये नियम लागू होता है, चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित काम कर रहे हों या हम बाज़ार में ही जा रहे हों, तो हम सावधानी पूर्वक रहेंगे तो प्रकृति माता जो है इतनी निष्ठुर नहीं है कि अपने ही बनाए जीवों को, प्राणियों को वह बेवजह परेशान करें। प्रकृति माता से बड़ा क्षमाशील और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रकृति माता में ही पैदा होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में विलीन भी हो जाते हैं। तो हमको प्रकृति को ही सबसे बड़ा भगवान समझ करके अगर हम प्रकृति से जो भूले हुई हैं उनसे क्षमा मांगते हुए और आगे हम प्रकृति की सेवा करें, और चूँकि उसी में सांस लेना है, उसी से भोजन पाना है, उसी से हम लोग कोई, आप कितना भी दुखी इंसान हो एक अच्छर सुंदर मनोहर दृश्य में ले जाके रख दीजिए तो उसका मूड बदल जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और वह दुखी आदमी आराम से सुखी हो जाता है। नदी किनारे कहीं झरने किनारे बैठ जाइए, फूल का बगीचा है बैठ जाइए, तो ऑटोमेटिक प्रकृति आपके मन को तन को हर चीज़ को स्वस्थ कर देती है। अगर शुद्ध जल पीने लगें, शुद्ध हवा पाने लगें, तो हमको तो देखने में यही है कि भाई प्रकृति माता से क्या क्या हम लोगों से भूल हो चुकी है, उसको सुधारने का समय है। अगर हम जितने भी जीव हैं सबके प्रति दयावान रहेंगे, सबको जो है सबके जीवन को अपना ही जीवन समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम बीमारी ही नहीं, कोरोना ही नहीं, ऐसे बहुत सारी समस्याओं से हम लोग बच करके आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं जी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह आने वाला समय बदल रहा है और आने वाले लोग बदल रहे हैं और आने वाले लोग एक बेहतरीन लोग होंगे और आने वाले लोग हर दूसरे की मजबूरियों को समझने वाले होंगे। आने वाले लोग जो है अब तक इतिहास में जो करोड़ों साल से लोग हुए हैं उन सब की तुलना में और बेहतर लोग होंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे संकट देखे हैं, बहुत सारी महामारियां देखी हैं और निश्चित रूप से वे जागरूक होंगे, हमारी शुभकामना है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया एक निश्चित रूप से मिसाल बन के उभरेगा
और निश्चित रूप से वह एक पूरी दुनिया के लिए सेवा भाव से आगे खड़ा है। अब पहले अपने आप को बचा लिया जाए, फिर हम दुनिया के लिए भी जो है हमारे दिल खुले हैं, सबको हम लोग प्रेम से सेवा करने के लिए तैयार हैं। नई राहें, नई नई राहें खुलेंगी, नए नए रास्ते बनेंगे। अब वो दुनिया वो नहीं रहेगी जो पहले थी। कार्यक्रम के अंतिम में डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम दवाइयां होंगी जो आप हमारे नेटवर्क के माध्यम से तमाम दर्शकों को आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एंटी फंगल की गलत दवाइयां भी लिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा असरदार न होकर तबीयत को और ख़राब कर दे रहा है, वो युवा वर्ग हो चाहे बच्चों का वर्ग हो। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ऐसी दवाइयाँ ली जाएँ जो इस संक्रमण से कहीं ना कहीं बचाव कर सके? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं चिकित्सक हूँ, तो जहाँ तक बात है कि हमारे हृदय में हमारे मरीज का भला का भाव रहता है, और सभी चिकित्सक का रहता है, सिर्फ एलोपैथी नहीं, कोई भी पैथी हो तो उसके हृदय में अपने मरीज के फायदे का भाव रहता है, भलाई का भाव रहता है। ठीक है, जहाँ तक बात है कि घबराहट का असर सबके ऊपर है, वे कोई भी वर्ग के लोग हो, चिकित्सक के भी मन में हो सकता है, आम जनता के मन में भी हो सकता है, जहाँ भी किसी से भूलें हो रही हो कहीं कहीं घबराहट से ही हो सकती है, मगर किसी की नीयत ख़राब नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि कई लोग ऐसे दवाइयाँ खरीद खरीद के मेडिकल स्टोर से खा रहे हैं, उनका भी भाव है कि हम किस तरह ठीक हो जाए, अपने प्रियजनों को दे रहे हैं, मगर यह उचित कदम मेरे देखने में नहीं है। अगर हम खुद से दवाई की बात करें तो हमको प्रकृति माता के शरण में रहेंगे, अगर हम हवादार जगह पर रहेंगे तो फंगस ग्रो नहीं करेगा, फंगस का ग्रोथ वहीं ज़्यादा होता है जहाँ पर डंप एरिया है, जहाँ पर कि हवा नहीं है, नमी ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल जो अन्य फंगस के इन्फेक्शन भी होते हैं, अगर जैसे हम लोग बच्चों में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डायपर पहन रहा है और अंदर गीला है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो सभी फंगस का लगभग एक ही तरीका है कि वह जहाँ पर भी देखेगा कि नॉन एरेटेड, या अभी नए नए जो ये ब्लैक फंगस की जब हम बात कर रहे हैं, तो यह भी इतना तेज़ी से अचानक क्यों फैला, जबकि पहले भी स्टेरॉयड यूज होते थे, जब पहले भी वो होते थे, यह अभी अभी अस्थायी रूप से खोज का ही विषय है। लेकिन मैं सबको यह सलाह दूंगा कि जहाँ तक दवाओं की बात है, उनका दुरुपयोग से हमको बचना होगा। खुद भी हम अपने मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी के ही लिए बताते हैं, और वो दवाइयाँ जो अत्यधिक ज़रूरी हैं उन्हीं को सिर्फ लिखने की कोशिश की जा रही है। और मैं बोलूँगा कि बुखार की भी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा न दी जाएं, कोई भी दवा, विटामिन का भी एक टाइम होता है, जैसे विटामिन ए ही हम लेते रहें अनवरत ज़्यादा दिन तो उससे भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, विटामिन डी जो है वह भी बॉडी में स्टोर होकर टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो ए डी ई के चार विटामिन होती हैं जो बॉडी में स्टोर होती हैं, जल्दी शरीर से निकलती हैं, तो उसको बिना जो है सुपरविजन के न लें, एक टाइम तक लें, और वह कुछ विटामिन से जो बॉडी से निकल जाती हैं। कहने का मतलब है कि हम अंधाधुंध दवाओं का उपयोग ना करें, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे किसी भी पैथी की दवा हो, तो वह उसके जो जानकार चिकित्सक हैं वह ज़रूर गाइड करेंगे कि भाई इसको इतना दिन से ज़्यादा ना दीजिए लीजिए, तो बिना उसके सलाह के ना लें। और दवा हम कभी भी ऐसे आम जनता को फ़ोन पे या इस पर बताना जो है उचित नहीं है, क्योंकि हमको नेचुरल जो दवा है उसी पर हम संदेश दे सकते हैं कि भाई आप खुली हवा लीजिए, सूरज की रोशनी, हम देखेंगे कि अगर आप सनलाइट कुछ लेंगे तो फंगल इन्फेक्शन की संभावना कम रहेगी। सन एक्सपोजर ही फंगल इन्फेक्शन से बचने का एक कारगर तरीका है। जैसे डायपर डर्मेटाइटिस हो जाती है तो हम बोलते हैं भाई इसको थोड़ा खुला रखो, खुला रखने से अपने आप भी फंगल इन्फेक्शन बहुत सारा ख़त्म हो जाता है।
तो नेचुरल चिकित्सा है वो हम आपको बता सकते हैं, बाकी दवाओं से चिकित्सा है तो वह हम आपको यहाँ नहीं बता सकते। जी बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन हो चाहे जो भी हो, वो नेचुरल तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अंतिम में तमाम गोरखपुर के जनता के लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आपका एक संदेश कि उनके सतर्कता से ही बच्चे सतर्क हैं और सुरक्षित हैं, आपका एक संदेश। हाँ बिल्कुल, मेरे प्रिय शहरवासियों, मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, देशवासियों और संसार के सभी प्यारे लोग प्राणियों, हम सबके लिए यह संदेश और शुभकामना दे रहे हैं कि आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए, आशा की किरण जगाए रखिए, हिम्मत न हारिए। कोई भी दुनिया की मुश्किल भले हो, लेकिन इंसान के आत्मा से, इंसान के इरादों से बड़ी नहीं है। जहाँ तक बात है कि भाई जीवन और मृत्यु ये तो प्रकृति का खेल है, ये अरबों सालों से होते आ रहा है। जीना मरना प्रकृति माता से बड़ी हमारे लिए कोई नहीं है, जब तक उसको मन होता है वो रखती है। लेकिन अगर हम प्रकृति माता के शरण में रहेंगे, प्रकृति को हम नुकसान न पहुंचाएं, तो प्रकृति हमारे ऊपर निष्ठुर नहीं हो सकती है। वह निश्चित रूप से अपना प्रेम बरसाएगी, स्वास्थ्य बरसाएगी, आनंद बरसाएगी। हमारा यही संदेश है कि भाई हम हर प्राणी को अपना ही रूप समझें और प्रकृति को अपनी माता समझें, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन दुनिया में हैं ही और यह बेहतरीन दिखाई देने लगेगी। धन्यवाद। हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास भी किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। आप थे डॉक्टर बीके राय, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से संयमित रहकर, संतुलित व्यवहार करके और बच्चों से नज़दीकी बढ़ा के आप इस कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और अपने पालियों को भी बचा सकते हैं। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की भी टीम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि सारे लोगों को जागरूक करे, कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करे कि कैसे उसका रोकथाम किया जा सकता है, कैसे उसका बचाव किया जा सकता है और कैसे उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।